नहीं भाई देख हाँ। मैं बताता हूँ सच्ची बात क्या है, मेहनत करेगा तो आज भाई, नहीं तो मत आइयो, बिगड़ जाओगे, दारू पियोगे, बीड़ी पियोगे। टीचर को सारे अच्छे पढ़ाते हैं, एक्सप्लेनेशन करने का तरीका होना चाहिए जो हमारे भारतीय ने भारतीय क्लास ज्वाइन अपने दोस्त जरिए की है। यहाँ वो पहले पढ़ता रहा, उसका सिलेक्शन भी हो चुका है, अभी फिलहाल में UPSI है वो। नमस्कार दोस्तों, अभी हम रिव्यू करेंगे मुखर्जी नगर के फेमस मैथ टीचर भारती कंसेप्ट क्लासेस को, जो भारती सर पढ़ाते हैं यहाँ पर, और सर का बहुत क्रेज है यहाँ पे। आपका राहुल कहाँ से हो? यार से अभी आप भारती सर का क्लासेस करके आ रहा हो, तो कैसा है, कैसे पढ़ा रहा है भारती सर? अभी सिलेबस कहाँ तक कम्प्लीट हुआ? फॉर्मूला बोलिए। सिलेबस अभी बहुत लेट चल रहा है। बहुत लेट चल रहा है। लेट क्यों चल रहा है? अच्छा, सुना है दूसरे टीचर के कंपैरिजन में भारती सर ज़्यादा टाइम लेते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि सर का पीडीएफ बहुत ज़्यादा रहता है, क्वेश्चन ज़्यादा रहता है उनका। रेवड़ा में 800-900 से, और किसी टीचर में पढ़ेंगे तो 200-250 क्वेश्चन लेते हैं, और इनका जो रहता है प्रीवियस क्वेश्चन हर चीज लगा टाइम लेते हैं, लेकिन इसके बाद पढ़ने का उसको कोई जरूरत नहीं पड़ती। कैसे समझाता है? क्लास लेकर आ रहा हूँ भाई। यस। क्या नाम है आपका? शिवम गौतम। आप तो फुल कॉन्फिडेंट लग रहे हो। हाँ भाई, वीडियो बना रहा है। क्लास लेकर मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। कैसे पढ़ा रहा है सर, कैसे समझा रहा है? टीचर को सारे अच्छे पढ़ाते हैं, एक्सप्लेनेशन करने का तरीका होना चाहिए जो हमारे भारतीय सर के पास ऑलरेडी है। कैसे कैसे समझाते हैं? बढ़िया करके समझाते हैं। बताओ ना, अभी सिलेबस कहाँ तक कम्प्लीट हुआ? लाइक मैं टिग्नोमेट्री के आपको देता हूँ एग्जांपल, हमारी टिग्नोमेट्री चल रहा है, तो टिग्नोमेट्री का सर मतलब नॉर्मल, अगर हम कोचिंग में जाते हैं तो वहाँ पे 100-200 क्वेश्चन में नॉर्मल कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस ना के बराबर होती है, बट मैं सर के पास पढ़ता हूँ तो सर हमें प्रैक्टिस ज़्यादा कराते हैं, एक क्वेश्चन की 6 टाइप, बट मतलब सोल्यूशन फुल है, मतलब हो जाता है, मतलब एग्जाम में मतलब हो जाता है। स्टूडेंट्स कहते हैं सर ज़्यादा टाइम लगाते हैं, बंदा को रोना नहीं पड़ेगा। टाइम भले ही लग जाए मगर क्वेश्चन सीख के जाता है, एक क्वेश्चन की आपको 4 टाइप सिखाई जा रही है, हाँ। तो वहाँ तो फिर आपका हो ही जाएगा, इससे नहीं तो इससे कर दोगे, रेशियो से नहीं तो एलिगेशन से, हाँ। बट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, तो यही चाहिए। ये थोड़ी ना कि सिलेबस खत्म कर दिया और हम मतलब आई एम द किंग, सिलेबस खत्म करने से कोई राजा नहीं होता, सीखना प्रैक्टिस करना उसके बाद राजा। हाँ, कितना टाइम हो जाए, कब ज्वाइन किया था आपने? मैं मई में ज्वाइन करा था, मुझे 6-7 मंथ हुए हैं अभी। कब तक कंप्लीट हो जाएगा? एंड 1 ईयर तक का मैं कर लूंगा, 1 ईयर में कंप्लीट, मतलब मई में। वो आप पे डिपेंड करता, वो आप पे डिपेंड है कितना दिन, नहीं नहीं क्लास कब तक कंप्लीट हो जाएगा ये वो आप पे डिपेंड करता है कि कितना हम लोग 3-4 बैच लेते हैं, ठीक है? तो एक अगर बच्चा एक ही बैच ले रहा है तो उनका 2 साल से ऊपर जाएगा, अगर 3-4 बैच ले रहा है ऐसे करके वो 6 महीना 8 महीना कंप्लीट कर सकता है, उस पर डिपेंड करता है वो कितना संभाल सकता है, कितना बैच ले सकता है, ठीक है? ऐसे करके एक साथ 3-4 बैच भी ले सकते हैं। हाँ, आराम से आपका 8-6 से 7 बैच चलता है यहाँ पे, आप किसी बैच में आके किसी में पढ़ सकते हैं। अच्छा, कब तक एक्सेस होता है, या कोई अगर एडमिशन ले रहा है तो कब तक उसको एक्सेसिबिलिटी मिलेगी? डेमो का नहीं, डेमो नहीं है, मेल वैलिडिटी, कोर्स वैलिडिटी, मतलब जब तक कोर्स कंप्लीट ना तब तक उसकी मिलती है, फिर 2000 रुपया देके भाई। देख मैं बताता हूँ सच्ची बात क्या है, जो बच्चा मेहनत कर पाओगा वो आ जाऊंगा, नहीं आगे बिगड़ जाओ भाई, मेहनत करेगा तो आज भाई, नहीं तो मत आइयो, बिगड़ जाओगे, दारू पियोगे, बीड़ी पियोगे, पढ़ाई लिखाई नहीं, अपने घर का नाम खराब करोगे, मन लगा पट होता है, वैसे मत आइए। अब कहा हो रहा है पढ़ाई भाई? मेरा दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल पेपर हो रहा है भाई। अब कब से हो दिल्ली में? मैं भाई अब कब से हो दिल्ली में? मैं 1 साल हो गया भाई। 80 नंबर से रहेगा भाई। किसमें? अरे दिल्ली पुलिस में, और के दिल्ली पुलिस भी। हाँ, ओके। कब ज्वाइन किया था आपने भारती सर के बैच को? अभी मुझे 2 महीने हो गए, 2 मंथ्स मुखर्जी नगर में आए हैं। अच्छा, अभी न्यू हो आप, है ना, मुखर्जी नगर में, तो कैसा लग रहा है आपका यहाँ का एक्सपीरियंस? माहौल बढ़िया है यहाँ, मतलब बच्चे पढ़ते हैं और बढ़िया माहौल है, सर बढ़िया पढ़ाते हैं, एकदम बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, और अभी सर का एक नया बैच भी आ रहा है 4:30 से 14 दिसंबर। आपका ग्रेजुएशन हो गया? नहीं, अभी मैं सेकंड ईयर में। ग्रेजुएशन सेकंड ईयर हो, और साथ साथ आप SSC की तैयारी कर रहे हो? SSCGL? हाँ, CGL के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और जैसे कि स्टूडेंट्स कह रहा है कि सर अच्छे से समझाते हैं, तो कैसे पढ़ा रहा है अभी, कैसे समझा रहा है? समझ में एकदम बढ़िया आता है सर, अगर आपको कुछ डाउट भी रह जाता है तो आप लास्ट में भी पूछ सकते हैं, वरना तो आप क्लास में अगर सर से कहेंगे कि रिपीट कर दीजिए तो वो रिपीट भी कर दीजिए। बेसिक से लेकर एडवांस तक बढ़िया पढ़ा रहे, अगर जिसके बेसिक क्लियर नहीं है तो वो भारती से पढ़े, सबसे अच्छे क्लियर हो जाते हैं, और टीचर क्या हाई लेवल का लेके चलते हैं, और जो बेसिक है वो कम करवाते हैं। अभी आपका कितने दिन हुआ है क्लास? मेरे 5 मंथ हो गए भाई। 5 महीने हो गए जी भाई। तो कितने दिन में, कितने महीने में कोर्स कंप्लीट करा? अगर एक क्लास लोगे वो खुद पे डिपेंड करता है, अगर एक क्लास लेते तो 1 साल से ज़्यादा लेते हैं, अगर 2 क्लास करते तो 6-7 महीने में हो जाता है। एक साथ में 2-3 क्लास भी कर सकते हैं? हाँ, कितनी भी कर सकते हो आप, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ सकते हो। अलग अलग क्लास में अलग अलग टॉपिक चलेगा फिर? हर क्लास में अलग चैप्टर चलता है। टोटल कितने बैच चल रहे हैं अभी? 6 बैच चल रहे हैं। मेरा नाम प्रशांत पटेरिया है, मैं झांसी उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं
अच्छा झांसी से हो? हाँ झांसी से हूँ। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर आप क्लास ले रहे हो भारती सर का, तो कैसा लग रहा है, क्या एक्सपीरियंस है? मैंने भारती क्लास ज्वाइन अपने दोस्त से जरिए की है, यहाँ वो पहले पढ़ता रहा, उसका सिलेक्शन भी हो चुका है अभी फिलहाल में, UPSI है वो अभी फिलहाल में, तो उसने हमें रिकमेंड की थी सच भारती के यहाँ पढ़कर। वो UPSI में हुआ है इसका? हाँ उसका यहाँ पढ़ के ऐसा UPSI में हुआ है। उसका नाम प्रेजेंट टाइम में है शायद UPSI मुजफ्फरनगर में है वो प्रेजेंट टाइम में, वो अभी उसका नाम है सतीश अग्रवाल। अच्छा यस। किस बार हुआ था उनका? उनका ये ईयर में हुआ था 2021 में। अच्छा, तो वो मेरे यहाँ के झांसी के हैं, तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि यहाँ पढ़ो आप आके, तो अच्छा मतलब बेनिफिट मिलेगा, और मुझे ही बेनिफिट हो रहा है क्योंकि मेरी 12th और 11th में आर्ट साइड थी, आर्ट स्ट्रीम थी। हाँ, तो मेरा मैथ्स तो कोई मतलब रिलेटेबल नहीं था मेरा, यहाँ के मैथ पढ़ के लग रहा है कि हाँ कुछ कर लूँगा मतलब लाइफ में, हाँ निकल जाएगा, CGL का पेपर होता है निकल जाएगा आराम से। वो मैंने यहाँ से अप्रैल में लिया था, और अप्रैल से मतलब अभी आज दिसंबर चल रहा है, तो अच्छा मतलब इंप्रूवमेंट आया मैथ में, इंप्रूवमेंट हुआ है पहले से हुआ है। अगर अभी मॉक देता हूँ टेस्ट बुक पे, ऐसे कहीं मॉक देता हूँ, यहाँ टेस्ट देता हूँ, तो 50 out of 40, 45 है, मार्क्स आराम से आ जाते हैं, 40+ मतलब मॉक में आ ही रहा है, आराम से आ जाते हैं। जैसे रीजनिंग का भी देता हूँ, तो रीजनिंग तो खैर मैं सचिन सर के यहाँ पढ़ता हूँ मैं, इनका तो अभी चालू हुआ, तो मुझे पता नहीं, तो इन्हीं क्या एडमिशन ले लेता मैं, बाकी GS तो अपना खुद सेल्फ कर रहा हूँ। ये कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि SSC जो भारती सर क्लासेस करा रहा है टाइम बहुत ज़्यादा लेते हैं, इसके बारे में क्या कहना था? टाइमिंग की तो ये बात है कि अगर आप एक बैच करते हो तो सर का वो है सारे क्वेश्चन कराते हैं मतलब, तो टाइम तो लगेगा कि अगर सारे क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन अगर आप मल्टीपल बैच कर रहे हो 2 या 3 तो उसमें आप 6 से 7-8 महीने में कर सकते हो, लेकिन ये है इतनी आफत क्यों उतारनी, धीरे धीरे करते रहो बैच, अगर तुम्हारे पास सही टाइम है, अगर ग्रेजुएशन की है लास्ट ईयर है या सेकेंड ईयर है, तो एक बैच से काम चल सकता है।